दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं जिन्हें चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जहाँ चेतन मन हमारी एक्टिव स्टेट है जिससे हम सोच विचार और तर्क के आधार पर किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, वहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे विचार, अनुभव और मान्यताएं जमा रहती हैं। यहाँ से विचार उसी तरह से दोबारा निकाले जा सकते हैं जैसे कंप्यूटर में सेव किसी फाइल को दोबारा खोल लेते हैं। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई बार बात की थी, इस वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हमारे नए चैनल वीकैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान का सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। आज तक इंसान उस तरीके को नहीं जान पाया है कि जो विचार या इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत प्रबल होते हैं वो कैसे अपने आप रियलिटी में बदल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लक्ष्य को हासिल करने के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान, योजना या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे हम रियलिटी में बदलना चाहते हैं। हजारों साल के अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड ही इस कायनात से जुड़ने वाली कड़ी या सूत्र है। ये वो कड़ी है जिसके द्वारा इंसान प्रकृति की शक्तियों की अपनी इच्छा अनुसार सहायता ले सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदली जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। दोस्तों, दुर्भाग्य से सबकॉन्शियस माइंड और इसकी शक्तियों के बारे में अधिकतर लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। ये प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है जो आपको सुख और समृद्धि दे सकता है। जब इंसान इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेता है कि सबकॉन्शियस माइंड का अस्तित्व है और इसके माध्यम से अपनी इच्छाओं को हकीकत में यानी कि रियलिटी में बदला जा सकता है, तो वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में चलने वाला एक एक विचार कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ये सोचने का टाइम ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम तो बस सोचते रहते हैं और अधिकतर ये सोच नेगेटिव होती है। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इससे ये पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार और सभी नेगेटिव विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रेरणा का कार्य करते हैं जब तक कि आप इन आवेगों पर जीत ना पा लें और सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर भोजन ना दें जिससे इसे पोषण मिल सके। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोने में असफल रहते हैं तो ये उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। इस पर बात हम पहले भी कर चुके हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के विचार लगातार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच रहे हैं। अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि आप ये याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड तक किस तरह के विचार पहुँच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नेगेटिव हैं तो कुछ पॉजिटिव है। जब आप अपने नेगेटिव विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वो कुंजी होगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह कंट्रोल कर सकेंगे ताकि कोई गलत विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित ना कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है वो विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना ना की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। कंट्रोल में रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो किसी को अपने चुने हुए बिजनेस या काम में सफलता दिलाती है। दिमाग के लॉजिकल हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट मूवमेंट्स से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहण करता है जिनमें फीलिंग्स और इमोशंस मिले होते हैं। दरअसल, इस सिद्धांत के समर्थन में काफ़ी प्रूफ है कि केवल इमोशनल विचार ही सबकॉन्शियस माइंड पर सक्रिय भाव डालते हैं या प्रभाव डालते हैं। ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इमोशंस अधिकांश लोगों पर राज करते हैं यानी कि शासन करते हैं। अगर ये सच है कि सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस से मिले विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तेज रिएक्शन करता है तो अधिक महत्वपूर्ण इमोशंस को जाना बहुत ज़रूरी है। कुल 7 प्रमुख पॉजिटिव इमोशंस हैं और 7 ही प्रमुख नेगेटिव इमोशंस हैं। नेगेटिव इमोशन अपने आप ही विचार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं पॉजिटिव इमोशंस को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आइए हम यहाँ 7 प्रमुख पॉजिटिव इमोशंस और 7 प्रमुख नेगेटिव इमोशंस के बारे में जानते हैं ताकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देते टाइम आप पॉजिटिव इमोशंस का अधिक प्रयोग करें और नेगेटिव इमोशंस से बचें।
तो सात प्रमुख पॉजिटिव इमोशंस है। नंबर एक द इमोशन ऑफ डिजायर यानी इच्छा का भाव। नंबर टू द इमोशन ऑफ फेथ यानी आस्था का भाव। नंबर थ्री द इमोशन ऑफ लव यानी प्रेम का भाव। नंबर फोर द इमोशन ऑफ सेक्स यानी सेक्स का भाव। नंबर फाइव द इमोशन ऑफ एंथुजियाज्म यानी उत्साह का भाव। नंबर सिक्स द इमोशन ऑफ रोमांस यानी रोमांस का भाव। और नंबर सेवन द इमोशन ऑफ होप यानी आशा का भाव। अन्य पॉजिटिव इमोशंस भी हैं लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस यही हैं और यही वो इमोशंस हैं, यही वो भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर क्रिएटिव कार्यों में किया जाता है। इन सात पॉजिटिव इमोशंस में महारत हासिल कर लें और फिर देखिए कि बाकी के पॉजिटिव इमोशंस आपके इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। अब सात प्रमुख नेगेटिव इमोशंस के बारे में जानते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। नंबर वन द इमोशन ऑफ फियर यानी डर का भाव। नंबर टू द इमोशन ऑफ जेलसी यानी ईर्ष्या का भाव। नंबर थ्री द इमोशन ऑफ हेट्रेड यानी नफरत का भाव। नंबर फोर द इमोशन ऑफ रिवेंज यानी बदला लेने का भाव। नंबर फाइव द इमोशन ऑफ ग्रीड यानी लालच का भाव। नंबर सिक्स द इमोशन ऑफ सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास का भाव। और नंबर सेवन द इमोशन ऑफ एंगर यानी गुस्से का भाव। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दिमाग में एक ही टाइम में एक ही साथ नहीं रह सकते, या तो एक ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर दूसरा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पक्का कर लें कि पॉजिटिव इमोशंस आपके दिमाग को प्रबलता से प्रभावित करें। यहाँ आदत का नियम आपकी मदद करेगा। पॉजिटिव इमोशंस को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डालें और ऐसा होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशंस से भर जाएगा और ये नेगेटिव इमोशंस को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देगा। केवल इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से ही और लगातार करने से ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड में एक भी नेगेटिव इमोशंस मौजूद है तो ये सबकॉन्शियस माइंड की रचनात्मकता को ख़त्म कर देगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना करते समय आपके मन में ये डर होता है कि आपको ये नहीं मिलेगा या फिर ईश्वर आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगा, तो आपकी प्रार्थना सचमुच बेकार जाएगी। कई बार प्रार्थना का रिजल्ट ये होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वो आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो याद करें कि प्रार्थना करते टाइम आपकी वास्तविक मनस्थिति कैसी थी और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वो सिद्धांत से बढ़कर है। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बनाया है। इस बुक में ऐसे और कई लॉज हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकती हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम की वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं।